मुपर यमक वग्गो मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं उपनयन्ति वेरंते सन्न सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं न उपनयन्ति वेरंते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनन्तनो, यही सनातन धर्म है। परेचन विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयु कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं वदुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं हि च मत्तयु सद्धं आरद्ध वीर्यं तं वे नपसहति मारो
वातो से लंग व पब्बतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं योवत्थं परिदहे सती अपेतो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति। जो मन को निर्मल किए बिना काशाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति काशाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवंतक सावस सीलेसु समाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही काशाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उठीन समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागोन समति विज्जति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इध मोदति पेच मोदति कतपुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापं मे कतन्ति तप्पति भीयो तप्पति दुग्गतिंगतो। यहाँ भी संतप्त होता है, वहाँ भी संतप्त होता है, पाप कर्मी उभय लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ये सोचकर संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है।
इधनन्दति पेचनन्दति कतपुयो उभयत्थनन्दति पुयं मे कतन्ति नन्दति भियो नन्दति सुगतिं गतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है। पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किए हैं, ये सोचकर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो गोपो व गावो गणयं परेसं न भागवासामयस्स होति। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गाय गिनने वाले गोपालक की तरह वो श्रमणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुत्त चित्तो अनुपादियानो इधवाहुरंग्वा सभागवा सामयस्स होति। धम्म संगीताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्म अनुसार आचरण करता है, ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है।